बातों बाहे बामे रेडियो फिजी 2 के कौन सा केरो के ऑनलाइन क्लियर रेडियो फिजी 2 रगरगी के लोग ज्यादा सुनते हैं नेंडी में हम सबकी पसंद रेडियो फिजी 2 तालेबू के लोग रेडियो फिजी 2 सबसे ज्यादा सुन रहे हैं मेरी पसंद रेडियो फिजी 2 मसूरी में सभी को पसंद रेडियो फिजी 2 तावा में रेडियो फिजी 2 सभी को सुनते हैं रेडियो फिजी 2 आई लव यू देश की धड़कन रेडियो फिजी 2 समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। अगले वर्ष रास्तों पर मरम्मत कार्य करने के लिए जितने भी टेंडर भेजे जाएंगे उस पर बारीकी से गौर निरीक्षण किया जाएगा। फिजी रोड अथॉरिटी का कहना है कि स्थानीय कंपनियों को इस साल बहुत कम टेंडर्स मिले हैं क्योंकि उन्होंने सही ढंग से टेंडर की कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रदान किए हैं। FRA का कहना है कि वे अब इन स्थानीय कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियों को सहायता प्रदान करेंगे ताकि वे फिजी भर में प्रोजेक्ट्स के लिए सही टेंडर की अर्जी लगा सकते हैं। अथॉरिटी के पास निज आंदरूनी व्यवस्था यानी इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसके आधार पर वह प्राप्त हुए टेंडरों की स्वीकृति देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्थायी सचिव यानी परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर एलोनी तोरा का कहना है कि गोलन हाइट्स में फिजी सेना के साथ सेवा प्रदान कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पहले अपनी इस्तीफा देना होगा अगर वे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर तोरा का कहना है कि इन स्वास्थ्य अफसरों को केवल निश्चित समय के लिए भेजे गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर उन्हें वापस फिजी आना पड़ेगा, लेकिन अगर वे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तब उन्हें मंत्रालय से इस्तीफा देना होगा। गोलन हाइट्स में सेवा प्रदान कर रहे 12 डॉक्टरों और नर्सों फिजी सेना के साथ वहां मौजूद हैं। यहां मैं घर घर खेली की सुंदरी सुहासी धामी जिसको फिजी में आभा नाम से जाना जाता है ने फिजी में कई लोगों के दिल जीत ली हैं। फिजी में 8 शोज करने के बाद आभा आज रात्रि को वापस भारत के लिए रवाना होगी। आभा जिसकी उम्र 25 है यानी 25 ही है ने कल रात को अपनी आखिरी शो में वोडाफोन अरीना सुबह में धरती हिला दी थी और सौभाग्य की बात यह है कि आभा ने आज FBC के रेडियो स्टेशंस और आपका फेवरेट FBC TV में इनकी मशहूर कला पेश की गई थी। आभा ने हमारी श्रोताओं को बताई कि फिजी में 2 सप्ताह बिताने के बाद इस अनुभव को कभी नहीं भूलेगी और यह भी कहा है कि भविष्य में वह फिजी में फिर से आने की कोशिश करेगी। और खेलकूद में फोमा नेदरलैंड्स हॉकी कोच बर्ट बनिक का कहना है कि फिजी हॉकी सीनियर तथा अंडर 18 टीम्स के साथ किए गए सेशन काफ़ी सफल रहे। भले ही सुबह सेलेक्शंस और फिजी अंडर 18 की हार टूरिंग ऑस्ट्रेलियन कंट्री मैन और वीमेंस टीम से हुई है, बनिक का कहना है कि फिजी के पास भविष्य में अपना खेल मजबूत करने की काबिलियत है। बनिक का कहना है कि फिजी को लगातार शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा तथा अपनी गेम स्किल्स में सुधार लाना होगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए आप सभी को बड़े दिन क्रिसमस की शुभकामनाएं तथा नूतन वर्ष के लिए सुख और शांति बनी रहें। मिर्ची FM is hot. ताके हर घर में खाली मिर्ची FM बजे। मिर्ची FM is hot. Best sound, best music, मिर्ची FM rocks and records. नानी का number one station है मिर्ची FM. मिर्ची FM is hot. मिर्ची FM is number one in nursery. मिर्ची FM is hot. हम लोग मिर्ची FM रोज सुनता है। मिर्ची FM जागो मामा। मिर्ची FM.